मानसून सीजन को लेकर नगर निगम शिमला ने तैयारियां कर ली है। बरसात के दौरान शिमला शहर में नालों और नालियों की निकासी व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए वार्ड स्तर पर टीमें बना दी गई हैं, जिसको लेकर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बरसात के दौरान होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नगर निगम प्रयासरत है, लेकिन शहर में हो रही अवैध डंपिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। अवैध डंपिंग से बरसात में काफी नुकसान हो जाता है, नाले और कलबट बंद हो जाते हैं, जिसको लेकर वन विभाग को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि नगर निगम ने इन नालों और कलबट की निकासी को लेकर वार्ड स्तर पर अपनी टीमें बना दी है। वह उन्होंने कहा कि शहर में खतरा बने पेड़ों को लेकर भी ट्री कमेटी दौरा कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। वहीं शहर की अनसेफ बिल्डिंग पर भी नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जो चनौटी की बिल्डिंग है वो टेक्निकली तो NHAI या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी देखे या हमारे पार्ट से जो है तो उस जो हमारे कमेटी के लोग थे उसको बिल्डिंग अनसेफ किया है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस है वो, और दूसरे मकान मालिक को भी सूचित कर दिया गया कि आपकी मकान जो है डेंजरस है। इसी तरह शिमला में लगभग अभी पिछले 5 साल से 2020 तक की हमारे पास 90 केसेस ऐसे हैं जिनको नगर निगम ने अनसेफ किया है, तो और 10 इसमें 8 या 9 केसेस जो पेंडिंग है, जो मैंने डिटेल मांगी थी इनसे ईपी ब्रांच से। तो इस तरह से जो शिमला की जो पुराने कुछ टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के झगड़े भी आपस में चल रहे, जो कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन नगर निगम का एक पार्ट ये होता है कि उसको आप अनसेफ बिल्डिंग है या नहीं है उसकी कमेटी जाती है, उसको उस बेस पे अनसेफ करते हैं। जो हमारे पार्ट से जो रोल होता है वो हम लगभग 90 केसेस है शिमला के जो हमने अभी तक किया और 8 केसेस इसमें पेंडिंग है। बिल्कुल, मैं आज से और हमने पिछले कल से वैसे ट्री कमेटी की विजिट शुरू कर दी है, और जहाँ जहाँ हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, जो DFO के पास केसेस आए हुए हैं, मैं सब जगह हम जा रहे हैं, ट्री कमेटी हमारी जा रही और कमिश्नर और जो ट्री कमेटी के मेंबर्स हैं सभी लोग हम विजिट कर पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करके हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के लिए भेजेंगे, जिसको मैं जल्द से मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो नगर निगम के पास जो या DFO लेवल पे पास जो आया हुआ है केसेस आए हैं, हम उसको जल्द से जल्द सरकार के पास भेज देंगे। और दूसरे जो हमारा कहने का मतलब ये कि जो जितनी पेंडेंसी है हमारे पास उसको हम एकदम से गवर्नमेंट को सारे केसेस भेजें। अभी मैं भराड़ी और ताराहोल जा रहा हूँ, उसके बाद साथ के साथ हम एक ही दिन छोड़ के उसको सरकार को भेजते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे हमारी विजिट होगी उसी के साथ हम सरकार को भेजते रहेंगे। नहीं देखिए, जो तो नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बना वो तो कार्रवाई होती है, वो तो होनी भी चाहिए, और जिसने भी वॉयलेशन किया रूल्स को उसको तो नुकसान उसको तो होना ही चाहिए, लेकिन जो बिल्डिंग के नॉर्म्स है हमारे पार्ट से जो काम है हमारा कि बिल्डिंग गिरी है या अनसेफ है कि नहीं है, तो उसको हमने किया है, लेकिन अगर नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बनाया है या तो उसका नक्शा रद्द होता है एक हमारे एक्ट में। नहीं बिल्कुल, अगर वो उनको देखना प्रैक्टिकली अगर नेशनल हाईवे का उसके पार्ट में इसमें गलती है तो उनको उसको देखना चाहिए, और हम ज़रूर मैं अभी उसमें जाऊंगा, अगर मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें विजिट भी करूंगा, और आज हम ट्री कमिटी के दौरे पे भी जा रहे हैं। और दूसरा एक इशू है अवैध डंपिंग का, जो डंपिंग है शहर के अंदर जो हमारी डंपिंग हो रही है उस पर कोई जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से एक्शन इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास अब जंगल नहीं है, हमारी जो देख रेख होती थी हम उस तरह का देख रेख नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जंगल अब गवर्नमेंट के पास है। और मैंने DFO और चीफ कंजर्वेटर को पत्र के माध्यम से भी और उसको भी लिखूँगा, और जो फ्लाइंग स्क्वाड होने चाहिए रात को जो इलीगल डंपिंग होती है, और हैवी पेनल्टी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि शिमला में आप देखेंगे कि रात को कहीं ना कहीं डंपिंग और कितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ साथ तो इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी कारण हमको बरसात में भी नुकसान होता है, नाले हमारे बंद होते हैं, कलवट हमारे बंद होते हैं, ये एक मेन वजह है। इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का होना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें इमीडिएटली रात को फ्लाइंग विजिट करके कोई ना कोई एक्शन इसमें ज़रूर होना चाहिए। और मैं आम जनता और पब्लिक से भी ये कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि ये गाड़ी यहाँ इलीगल डंप कर रही है या कर रही है तो उसको ज़रूर सूचित करें, तो इस तरह का एक्शन ज़रूर होना चाहिए। हमारा काम जो हमारे पार्ट से काम है वो उस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो नाला चोक होना, ये मिट्टी का आना, ये कोई सिर्फ इलीगल डंपिंग की वजह से, इसका जो मेन वजह है वो यही डंपिंग है।
क्योंकि बार बार कलवर्ट को बंद होना, बार बार हमारे तीसरी बार ये हम इसको खोलने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे को मैंने अलग से बोला है, मैंने बैठक की है उसमें, और PWD को अलग बोला है, जो उनके नाले और कलवर्ट्स हैं वो अलग से खोल रहे हैं, कमेटी के हमारे जो है वो हम अलग से खोल रहे हैं। तो लेकिन साथ के साथ जो ये इशू है डंपिंग का, ये बहुत गंभीर इशू है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा, और इसकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात को कभी भी जहाँ भी इलीगल डंपिंग हो रही है। और जो हमने हमारे यहाँ से भी 3 केसेस हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या FC के लिए दिए, उसके हमको जल्द से जल्द परमिशन मिले ताकि हम इलीगल डंपिंग को रोक सकें, और हम फैसिलिटी देंगे हम लोगों को ताकि इलीगल डंपिंग ना हो।